वेलकम टू माय सेकंड व्लॉग। आज आए हम देव नारायण मंदिर, दिखा देता हूँ आपको। हमारे गांव का मोस्ट पॉपुलर मंदिर है ये। 7 यज्ञ हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पर जोधपुर वाले देव नारायण जी की कॉपी, एक सेम डिक्टो जो पिक्चर्स मंदिर, और भी है, आपको दिखा देता हूँ। 24 बगड़ा की छतरी, सुना भाई मतलब साढ़ू माता का टेम्पल दिखा दे हूँ मैं। हेलो का देखा जाए तो इज ए बिग मिंदरी इन माय विलेज। ये आपको जो दिख रही है ये है 24 बगड़ा उत की छतरी। यहाँ पर जो है देवनारायण जी का यज्ञ होता है, तब यहाँ पर हवन वगैरह होते हैं। और कुछ आपको दिखा दूँ। हेलो गाइस, ये है वो एक छोटू सा सीन, देवनारायण भगवान ने जो दूध पिया था, शायद वो सीन है ये। और मैन एक और चीज, ये जो शानदार जो पेंटिंग मूर्तियाँ, लास्ट इमेज, ये जो इनकी बहन, शायद युद्ध के टाइम जो ये रेडियो का जा रहे हैं उस समय का सीन। और ये है इनका, ये जो दिख रहा है ये है एंट्रिंग पॉइंट इस मंदिर का। दिखाते हैं आपको मेन स्थापना देव नारायण की मंदिर की, वो आपको दिखाने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद। क्या शानदार कलाकृति प्रस्तुत की गई है इस मूर्ति कला द्वारा देवनारायण जी के मंदिर की। शानदार व्यू, जब भी गांव आता हूँ इस मंदिर में आता हूँ एक बार। मोस्ट विस्टेज पैलेस में से एक मान लीजिए। ये 24 बगड़ा का छतरी जिसे हम बोलेंगे, ये जो वो दो सीन जो मैंने अभी पहले आपको शो किए हैं, शेरनी के दूध पीते हुए देवनारायण जी की, और वो जो युद्ध के समय जाते हुए और उनकी बहन द्वारा आरती। ये जो क्षेत्र है वो है ये के समय जो होम वगैरह होते हैं उनके लिए। और वो है जो आपको जूम करके दिखा दो, तो वो है एंट्रिंग पॉइंट जहाँ से हम आए भी बाइक से। और ये है साढ़ू मात मतलब देवनारायण जी के जन्म लेते हुए सीन। और यह है देवनारायण जी का बिग टेम्पल, इनमें उनकी चमत्कारी मूर्तियाँ। और ये जो इसके आसपास का लोकेशन, लोकेलिटी, एरिया, शानदार विस्टिंग। ये सचिन पायलट द्वारा भेंट की गई उनके पिताश्री की मूर्ति है, राजेश पायलट की मूर्ति। और ये जो मेन सीन है, ये जो पेंटिंग है मुझे सबसे अच्छी लगती है। आप भी कमेंट करके बताइए कैसी जो हमारा जो विलेज का बिग टेम्पल है कैसा लगा। नाइस सीन। ये है इसका एंट्रिंग पॉइंट, देख लीजिए गाइस, देवनारायण जी के मंदिर का एंट्रिंग पॉइंट ये है।